नासिर भाई कंवर मेरा भाई और सरदार साहब का हमको इन्वाइट किया और आप लोगों से बहुत ही हम खुश है कि आप लोग मजलूम कश्मीर नेशन के लिए इधर यूरोप में आवाज़ उठाते हैं ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम है सारी दुनिया सुन सके और हल कर सके। जिस साल से पाकिस्तान बना हुआ है उसी साल में तकरीबन 4-5 महीने बाद उस लोगों ने एक मदरसा बना लिया हकानी के नाम पे अकोड़ा फाटक में पख्तूनख्वा में ताकि ये लोग इस्लाम का नाम यूज कर सके और ये झगड़े के लिए जगह बने ताकि लोगों को जब भी टूरिस्ट का जरूरत हो वो लोग बना सके और दे सके। अगर हम बात करें कश्मीरियों का बलोचों का पख्तूनों का सिंधियों का जिस दिन से पाकिस्तान बना हुआ है इस चार कौम पे जुल्म है तशद्दुद है ऐसा जुल्म इजराइल ने फलस्तीन में भी नहीं होगा आप लोगों ने देखा होगा लेकिन जितना जुल्म पाकिस्तान आईएसआई जीएचक्यू पाकिस्तान रियासत कश्मीरियों पर बलोचों पर पश्तूनों पर और सिंधियों पर कर रहा है सालों से ये जुल्म हम देख रहे भुगत रहे हैं लेकिन ये जो वर्ल्ड कंट्री ये लोग देखते एंजॉय करते हैं। आप देखो तकरीबन 2 हफ्तों से तकरीबन यूक्रेन में झगड़ा स्टार्ट हुआ है रूसिया का और यूक्रेन का सारा यूरोप में यही न्यूज चलता है कि यूक्रेन से यूक्रेन पे जुल्म हो रहे हैं हमने ये भेजा सारे के सारे बॉर्डर यूक्रेन लोगों के लिए ओपन है तकरीबन 3 हफ्ते से झगड़ा है लेकिन हमारा लोगों को जो 75 ईयर्स उसके ऊपर जुल्म हो रहा है सारे बॉर्डर हमारे लिए बंद है कोई हमारा हेल्प नहीं कर रहा कोई हमारा आवाज नहीं सुन रहा तो अगर हम खुद इस मसले का हल ना बनाए और हल ना सके मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जो कश्मीरों का बलोचों का पश्तूनों का और सिंधियों का आवाज सुने और इसका मसला हल करे। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ कंट्री है लेकिन उसमें इस्लाम बिल्कुल नहीं है। अगर इस्लाम होता तो क्यों हमारे बच्चों को क्यों हमारी औरतों को शहीद करता है हमारा मदनियात को लूट रहा है। हम कश्मीरी पश्तून बलूची सिंधी यूरोप में जाते हैं नौकरी करते हैं सऊदी अरब में जाते हैं दुबई में जाते हैं नौकरी करते हैं उस तरह अच्छा सरजमीन जो हमारा है जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है सब नियामतों से भरा हुआ है हम इस तरह सरजमीन में भी लोगों का नौकरी करते हैं क्योंकि पाकिस्तान वो सब चीजें हमसे उसने कब्जा किया है पश्तूनिस्तान को भी कब्जा किया जितना भी सब कुछ हमको अल्लाह ने दिया है कश्मीर को भी इस तरह। तो अगर हम बात कर सके जुल्मों का के ऊपर बात करें कि पाकिस्तान ये क्या है इस तरह रात दिन गुजर जाएगा लेकिन इस लोगों का जो जुल्म है वो खत्म नहीं होगा फिर भी इंशाल्लाह हम अपना आवाज उठाएंगे जितना हो सके हमसे हम अपने कश्मीर भाइयों से हम भी बलोची भाइयों से सब भाइयों से हम शाना बशाना खड़े हैं इंशाल्लाह जब तक हमको आप लोगों की आवाज़ आएंगे इंशाल्लाह हम आपकी सारी कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट में इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। बहुत मेहरबानी नासिर भाई सरदार साहब के हमने फिरवेट किया बहुत बहुत मेहरबानी थैंक यू।